हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है अपना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। अभी तक अपना प्लेन मिरर ही चल रहा है, ठीक है? काफ़ी बड़ा है प्लेन मिरर, बहुत कुछ हमने देखा, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे, अच्छा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि फॉर्मूला भी इसमें फाइनल है, लेकिन अपन रे डायग्राम इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। रे ऑप्टिक्स में तुम्हें रे डायग्राम आना ज़रूरी है। तो हमें देखना बच्चों नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। अपने पास तीन केसेस होंगे, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू होगा, थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा क्या है? ये थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री। थीटा जीरो क्या है? मतलब दो दो मिरर के बीच का एंगल जीरो। मतलब क्या? पैरेलल दो बीच दो मिरर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। या दो बीच का एंगल कोई आर्बिट्री एंगल हो सकता है, कुछ भी, लाइक थीटा इक्वल टू 30 40 60 जो भी है, ठीक है ना? ये यूँ ऐसे भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये अपने को पढ़ना है। तो पहले अपन देखेंगे, हालांकि अपने पास डायरेक्ट फार्मूला भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें रे डायग्राम आना जरूरी है, क्योंकि रे डायग्राम नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर विथ फार्मूला नहीं दे सकते। तो आप बिल्कुल तरीके से आप रे डायग्राम समझना, मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा कि आप बस इन बातों पर ध्यान दोगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मूला प्लेन मिरर देखना अपने को। पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका पैरेलल मिरर उनके उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितने अपने मिरर बनने वाले हैं, कितने इमेज बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला वाला, व्हेन टू मिरर आर पैरेलल, ये अपन पढ़ने वाले हैं केस फर्स्ट, ठीक है? मैंने क्या कहा बच्चों, अपने को देखना है कि कितने इमेज बन सकते हैं। मैं हर एक इमेज को ड्रा करूंगा, आप देखते हैं कितने बन सकते हैं और फाइनल कंक्लूजन अपन करने वाले हैं। स्ट्रेट है क्या? बिल्कुल ही हाँ, ठीक है, अप्रॉक्स। तो कुछ मिलता कुछ है क्या आस पास में? तो असल जिसे सीधा, हाँ इसी से करते हैं, यही पास में है। रे डायग्राम बच्चों बिल्कुल तुम्हें ढंग से तुम्हें भी ड्रॉ करना है, बहुत जरूरी रे डायग्राम, क्योंकि अलग तरीके से नहीं ड्रॉ करोगे तो ठीक है। और बढ़ा देते प्लीज इसको, जहां भी स्ट्रेट लाइन अपने को यूज करना होगा अपने ये यूज कर लेंगे, ठीक है? यही अपने पास, ठीक है? तो बच्चों क्या ये दो मिरर है, एक ये मिरर है और एक आपका ये मिरर है, ठीक है? एक ये मिरर है और आपका एक ये मिरर है, ठीक है? थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं, जीने की तमन्ना है, मरने का ही इरादा है, आज जीने की तमन्ना है। तो ये अपने पास मिरर बच्चों दो प्लेन मिरर है, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो है, दो पैरेलल मिरर है आपके पास। इससे मैं मिरर वन मान लिया, इससे मैंने मिरर टू मान लिया, बिल्कुल अच्छे से समझना। मैंने क्या किया, यहाँ पे मिड में नहीं रखा, मिड में रखोगे तो इमेज को आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा, तो मैं मिड से हटा दी यहाँ पे। कि यहाँ मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया ओ। अब मेरे को देख मिरर इमेज बनाने, मेरे को क्या करना, इमेज बनाने। अब मेरे को देखना है कि इमेज आपकी क्या क्या कितनी बन सकती है, ठीक है ना? बिल्कुल तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो मिरर है, दोनों बनाना चालू करेंगे तो हम एक ही कंज्यूम कर लेंगे कि एक पहले कैसे बना रहा है, ठीक है ना? अगर एक चीज़ सीख लो, एक चीज सीख लो कि अगर जब भी इमेज की बात आएगी, इमेज कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, बताओ इमेज का मतलब क्या? तुमने सीखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे, आप बस रिफ्लेक्टेड रे को देखना है तुम्हें बस। अगर जब भी ऑमेज को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको बस देखना है इंसिडेंट रे कहां से आ रही है,
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे होते हैं, वहीं से रे आते हैं और आंखों में आपको पड़ती दिखाई देती है। तो जब भी कन्फ्यूजन के ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप देखो इंसिडेंट रे कहाँ सा, ये इमेज कौन सा, तो रिफ्लेक्टेड इमेज बनाना, तो रिफ्लेक्टेड रे को मीट करा दो, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वही आपकी क्या होगी, इमेज होगी। आपको बहुत अभी उस दोनों पॉइंट को यूज होने वाला पहले बता देना, इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया। आपको अभी नॉर्मल लग रहा है अभी देखना, मैंने क्या सबसे पहले ये बीच में बच्चों मैंने क्या रे डायग्राम स्टार्ट किया, मैंने ड्रॉ करना, और सबसे पहले मैंने ये माना कि मिरर टू नहीं, मान लो मिरर वन है, तो क्या करेगा मिरर वन ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, इमेज बनाएगा। ठीक है, देख लो तुम, तो ये तुम्हारी रे ऐसे जाएगी, ठीक है, ये आपके ऐसे गई। ठीक है, अब क्या है बच्चों, अब क्या है कि यहाँ से आपका नॉर्मल है, ये मिरर वन के लिए क्या है इंसिडेंट रे, तो ये क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी, ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्ट कर दी, थोड़ा सा और ऐसे बनाते हैं, ये आपकी रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, अब आपको इसको पीछे बढ़ाएं तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करें बच्चों, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये हमारा इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, सही ना, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, तो ये जितना डिस्टेंस है अप्रॉक्स उतना डिस्टेंस, तो ये आपकी मिरर वन ने इमेज बना दिया, इस साइड जो इमेज होगा मिरर वन बनाएंगे, तो ये मैंने मान लिया आई वन, मान लिया ये मैंने मान लिया आई वन। ठीक है, अगर हमें ये बताओ अगर ऑब्जेक्ट ने इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर वन ने बना आई वन, तो ये ऑब्जेक्ट ये मिरर टू कम है क्या, ये भी तो बनाएगा भाई, ये भी तो इसको सामने है ऑब्जेक्ट, तो ये भी बनाएगा। तो यहाँ से क्या कैसे बनाएगा, जब इस देखो कभी भी मिरर इमेज तभी बनाएगा जब उस पर रे पड़ेगी तभी बनाएगा, और रिफ्लेक्टर देखो अपन पीछे मिलाएंगे तो ये आपकी ऐसे गई ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या होता है वहीं से इंसिडेंट निकलती है, और ये कहाँ पे टकरा गई बच्चों मिरर टू पे, अब ये क्या करेगा आपका रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे यूं, ठीक है, अप्रॉक्स ये नॉर्मल, हाँ उतना ही, ठीक है ना, उतने पे करेगा, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसे पीछे मिला देंगे, ठीक है, ये हमने पीछे मिला दिया थोड़ा सा सीधा बिल्कुल, हाँ, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, यहाँ पे रे है क्या, हाँ ये रे समझ लो, ये समझ लो कि यहाँ से एक रे ये गई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस हो गई और मैंने पीछे बढ़ा दिया, यहाँ से एक रे गई है और रिफ्लेक्ट हो गई, मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, तो वो तो एक फिर एक रे मैंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, हमें दो रे चाहिए इंटरसेक्शन के लिए, तो ये मेरा रे समझ लो इस लाइन के अलावा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बस रिफ्लेक्टर को बढ़ाना और यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे और मान लूंगा इमेज है, तो ये आपका आई टू हो गया। अब बता आई वन क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहली इमेज है, मेरा वन ने बनाया पहली इमेज, आई टू ने बनाया। अब तुम ये बता दो, अभी तो बाकी था बहुत कुछ, बाकी क्या था बताओ, देख लें दिख रहा है कि नहीं, अच्छे सूट हो रहा है कि नहीं, रे डायग्राम बहुत ज़रूरी, हाँ सही है। देखो बच्चों भाई ये बताओ कि अगर इसमें जब बनाया था, अब देखो हमने एक एक इमेज बना दिया, ठीक ना, अब देखो तुम यहाँ पे देखना कि अगर ये जो मेरा ये जो रे अपन ने इसके लिए जो इमेज बनाई थी, यहाँ से ऑब्जेक्ट निकली, यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे निकली, मिरर वन पे पड़ी और ये रिफ्लेक्ट हुई, अभी तो मैंने यहीं पर रोक दिया था ना, और इसको भी भाई मैंने रोक दिया है। भाई साहब ये बताओ कि अगर ये रे ये इसको कंसिडर करते, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, मिरर वन पे पड़ कर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर मिरर टू पे पड़ गई ना, तो मिरर टू पे तो इंसिडेंट रे बन गई, उसी पे मिरर टू पे गिर रही, तो वो भी तो मिरर टू फिर रिफ्लेक्ट करेगा, इसे बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक रे रिफ्लेक्ट हुई फिर दूसरे पे गई, दूसरा मिरर क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर ये क्या होगा आपका ऐसे, आपका आपका ऐसे हो गया, ये रिफ्लेक्ट कर दिया। अभी इसका भी बनेगा, इसका जो अभी गई नहीं रे, देखो अभी मैंने यहाँ पे लाके से छोड़ दिया है, पर एक साथ बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो एक एक करके बनाती है, बहुत ज़रूरी तरीके से डील करना। पहले क्या कि ऑब्जेक्ट का इसने इमेज बना दिया, इस ऑब्जेक्ट इसने बना दिया, फिर जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई फिर यहाँ पर जाकर रिफ्लेक्ट करेगी, तो मैंने इसको पीछे बढ़ा दूँ, चलो इसको पीछे बढ़ाते हैं, देखते कहाँ मिलती है रे, ये अप्रॉक्स आपकी रे जो मिलने वाली बच्चों ये आपकी मिलेगी, ठीक है, ये आपकी रे यहाँ पे मिल गई, ठीक है, ये आपकी रे कहाँ मिल गई, आई थ्री पर मिल गई, ये आई थ्री हो गई। तो मिरर टू ने बना दिया आई थ्री इमेज बना दिया, अच्छा इमेज किसका बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, कोई जरूरी है ऐसा कोई नहीं, ये रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अपना वर्चुअल भी इमेज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने बार वो वाला पॉइंट देखो कि अगर मैं बोलूँ दिस ये इमेज कैसे बना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे से मेरा क्या बनता है इमेज बनता बन गया। अगर मेरे को पता करना कि ये आई थ्री क्या इसका इमेज है, क्या ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इमेज बन चुका है, आखिर आई थ्री किसका इमेज है, कैसे पता करेंगे,
तो ये जो रिफ्लेक्ट हुई, इस रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे कौन सी, ये है, ये कहाँ से आती हुई लग रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो रही है, इट्स फील लाइक इंसिडेंट रे कमिंग बट रियल में नहीं कमी आती रही है। तो ये देखो ये कहाँ से आती है, फील करी आई वन से। तो जो बच्चों आई थ्री इमेज है ना वो किसका, अब ये जो इमेज है वो आई वन का है, किसका इमेज आई वन का, आई वन का जो इमेज किसने बना दिया, आई थ्री ने बना दिया, ये बहुत जरूरी। तो देखो आई वन का मेरा काम हो गया, इमेज का भी इमेज बनता है, ठीक है ना, एक का मिरर, एक मिरर का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, जब भी दो मिरर की बात आएगी तो एक मिरर का इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इसका भी इमेज देखना, अभी इसका भी आयत्र का इमेज बनेगा, देखना का आप। तो हमने क्या किया, एक बात रिफ्लेक्शन, अभी फिर से ये ऐसे जा सकती है, लेकिन अभी नहीं करेंगे कन्फ्यूजन जाएगी, ठीक है ना, ऐसे फिर से जाएगी, ऐसे ऐसे होते रहेगी। अभी हमने यहाँ पे इस वाले रे को छोड़ा था, यहाँ पे गई, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, इसे एक बार रिफ्लेक्शन होगा, अब ये कहाँ पे पड़ रही है, मिरर ऑन पड़ रही है, तो फिर से मैंने ये क्या करें, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, ऐसे ये फिर से रिफ्लेक्ट हुई, देखो फिर से ये पड़ी, फिर से वापस हो सकती है, ऐसे चलता रहेगा। पर मैं तुमको कुछ ही दिखाने वाला हूँ। फिर अपन क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टर को मैं क्या करूँगा, पीछे मिलाऊंगा, जब पीछे मिलाऊंगा तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमें पता चलेगा क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी बच्चों, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया आपकी, तो ये क्या बच्चों आपका, ये क्या आपका इमेज है, ये कौन सा, वो आई थ्री था, ये कौन सा हो गया बच्चों, आई फोर हो गया, वो आई थ्री था वो, ये कौन सा बन गया, आई फोर बन गया। अब ये बता दो आई फोर क्या है, ये इमेज है, आई फोर क्या है, इमेज है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आपकी कौन सी, ये है, इसी रे रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे बढ़ाया और रिफ्लेक्टेड रे से मेरी इमेज बनती है। और हमें पता करना कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था, हम लोग इसका इंसिडेंट रे देखेंगे कहाँ से आती हुई लग रही है, तो ये ना मेरा इंसिडेंट रे, यही देखो पीछे आई टू की, देखो बच्चों ये आई टू का इसने ऑब्जेक्ट बना दिया, आई टू क्या है, ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए, मिरर वन के लिए, और क्या कर दिया आई फोर ने, क्या कर दिया उसका, उसका इमेज हो गया। आई टू ऑब्जेक्ट इधर बिहेव कर रहा है, मिरर टू का जो इमेज है आई टू, इट्स बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर वन एंड मेक इमेज आई फोर, ठीक है। तो देखो तुमने देखा आई वन का इमेज आई थ्री बन गया, आई टू का भी इमेज बन गया आई फोर बन गया। अब देखना फिर करोगे तो आई थ्री ऐसे, आई थ्री का फिर वो बनाएगा, फिर आई फोर का बनाएगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर आपका मान लो एक और बढ़ाना है, तो चलो एक और कर लेते हैं। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, देखो ये यहाँ पे मैंने आकर रोका था, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। फिर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा आई थिंक। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ये लाइन, हाँ, अब अपन डैश डैश कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके बच्चों क्या है, ये वाली रे है, तो ये हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, इसे रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, ये आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, तो मैंने क्या किया आई फोर था, ये मैंने क्या हो गया आई फोर हो गया, आई फाइव हो गया, ठीक है। अब ये आई फाइव कैसे, ये बहुत जरूरी है पता करना, किसका ये इमेज है, ये किसका इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बिहेव लाइक है, बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, आई फाइव के लिए देख लो, ये रिफ्लेक्टेड रहती थी, तो ये इंसिडेंट रहे, देखो कहाँ से आती हुई लग रही है, तो आई फोर से आती हुई लग रही है, तो देखो आई फोर का भी इसने बना दिया। अभी देखना आई थ्री बचा हुआ ना, आई थ्री का भी आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी, देखना देखना कैसे, देख लो, तो ये क्या देख लो, आई थ्री से जाती हुई लग रही है, जाती हुई लग रही है इंसिडेंट रे, यहाँ पे मिरर ऑन पड़ी, मिरर ऑन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। और मैं जब इसको पीछे बढ़ाऊंगा बच्चों, जब मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं आपके, ठीक है, तो ये कहीं आपके यहाँ पर वो करेगी, है ना, आई फाइव हो गया। तो देखना ये आई थ्री, देखो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने मान लिया आई सिक्स, ये किसका इमेज है, ये किसका इमेज है, तो आई थ्री का इमेज हो गया ऐसे। तो आई वन हो गया, आई टू हो गया, आई थ्री हो गया, फिर आई फोर हो गया, फिर आई फाइव का बनाएगा, फिर आई सिक्स बनाएगा, इमेज इमेज का इमेज, इमेज का इमेज किसका, इमेज का इमेज, इमेज का इमेज, या यूँ बोले कि एक मिरर का जो इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। लाइन फिर से रिपीट याद कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एक मिरर का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इमेज का इमेज, मल्टीपल इमेज बनेंगे बहुत सारे। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे रे खत्म हो गया, बच्चों रे खत्म नहीं हुआ, ये आपका ऐसे होता रहेगा, बता रहा हूँ क्यों, यहाँ पे क्यों होता रहेगा, तो ऐसे बनता रहेगा, आप पता नहीं कर सकते कितना बनेगा, मतलब पता नहीं कर सकते, मतलब क्या इनफाइनाइट। तुम बोलोगे सर यहाँ पे, सर यहाँ पे तो आपका मिरर खत्म हो गया, कैसे हो पाएगा, ऐसा नहीं बच्चों, तो तुम्हें दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ से निकाला है ना, ये तो ऐसा थोड़ी होगा, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ऐसा थोड़ी होगा, सपोज करो कि ये आपका मिरर है, वो तो इनफाइनाइट रे निकलेगी, ये ऐसे 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 निकलने लगे तो ऐसे ऐसे निकले, कितना पीछे लेके जाओगे, लेके जाओ बताओ,
तो ये तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सारी इनफाइनाइट रे, मतलब आप पता नहीं कर सकते कितनी कम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना, नैनो माइक्रो जो भी हो, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि इनफाइनाइट इमेज बनेगी, ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना, ये आपको समझाने की चीज़ है। तो आपकी जब भी दो पैरेलल इमेज होगी बच्चों, सॉरी जब भी दो पैरेलल आपका मिरर होगा तो कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज में मिटा दे रहा हूं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट होंगे, मल्टीपल क्यों होंगे भाई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका इमेज, इसका एक का इमेज, दूसरे का इमेज, टू इमेज, इमेज से इमेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझना है तो ये से समझना क्या है, बहुत जरूरी है। चलो आपके क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज को। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर वन, बस ये मिरर वन है, ये मिरर टू है आपका, इस लाइन के लोग क्या है आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कॉपी में बहुत अच्छे से बनाना बच्चों, रे के लिए रेड पेन यूज करना और ब्लू पेन यूज करना मिरर वगैरह के लिए, ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर टू से डिस्टेंस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी बच्चों 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट क्या है मिरर टू के पास करीब है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है बहुत सारे इमेज बनेंगे, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आपको बताना है, आपको बच्चों बताना है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ब्रैकेट में डाल देता हूँ एम टू, इसमें मैंने नाम दे दिया एम टू, मिरर टू हो गया ये एम टू और ये हो गया आपका मिरर वन, एम वन ले लो, M1 है और ये क्या आपका M2 है, मिरर टू मिरर वन, ब्रैकेट में M2 मतलब क्या, थर्ड इमेज फाउंड बाय डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज किसके द्वारा, M2 द्वारा, उधर थर्ड एंड सेकेंड इमेज ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या M1, डिस्टेंस बताना है थर्ड इमेज, अगर जो M2 का थर्ड इमेज और जो M1 का बच्चों है सेकेंड इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको बताना है। चलो देखो कैसे बनाएंगे इसका, ये आपकी रे जाएगी ऐसे, रिटर्न होगी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस है इतनी प्रॉस बनेगी, मतलब यहां बनेगी। चलो मैंने मान लिया I1 बन गया, अब मैंने इसको पीछे कर दिया, चलो तो ऐसे अपन कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। तो अगर हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि ये मिरर किसने कौन से मिरर ने इमेज बनाया, M1 ने बनाया, मिरर 1 ने बनाया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बच्चों 15 सेंटीमीटर, तो जो आपका इमेज भी होगा कितना पे होगा 15 पे, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मतलब क्या ब्रैकेट मतलब यार कि मिरर से डिस्टेंस कितनी है 15 की होगी। सिमिलर एज तुम हमें बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट जैसे एक एक बने बनाना, अब फिर इस ऑब्जेक्ट का मिरर 2 बनाएगा, ये आपकी ऐसे जाएगी और ये 5 पे, तो यहाँ पे लगभग 5 बनेगा, तो ये मैंने मान लिया कि I2 है और I2 कितना है बच्चों 5 है, ब्रैकेट में डाल दिया 5, तो चलो ये नीचे लिख देते हैं I2 है 5। अब रे बढ़ा देते हैं, पहले इमेज बना कर रे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे तो और बेहतर बनता है। तो ये मेरा बन गया ऐसे I2, एक एक बन गया। दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग ये जो अभी आई है इसे फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोग, ये आपकी रिफ्लेक्ट कर गई और ये इसे हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी
और ये मेरे बनेगी कौन सी बच्चों, मैंने मान लिया आई थ्री। अब आई थ्री पहले ये बता दो कि किसकी इमेज है, आई थ्री किसकी इमेज है, मतलब कौन से इसके लिए बिहेव लाइक, मतलब बिहेव करेगा, नॉट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो देख लो, तो एक ये आई वन का, अब तो इमेज देखो ऑब्जेक्ट का तो बन गया, ऑब्जेक्ट का ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ऑब्जेक्ट का इस मिरर ने बना दिया, इस मिरर ने बना दिया। अब क्या करेगा, इस इमेज का ये बनाएगा, फिर इस इमेज का ये बनाएगा, फिर इसका ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, आई वन का क्या है बच्चों, इमेज बनाया आई थ्री ने, कौन से मिरर ने, मिरर टू ने, क्योंकि इस साइड बन रहा है। तो हमें पता है कि अब एम टू के लिए जो आई वन बिहेव किसकी तरह करेगा, आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका ये बिहेव करेगा किसके लिए, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब क्या है कि जो आई थ्री की डिस्टेंस मिरर टू से उतनी होगी जितनी मिरर टू की डिस्टेंस किसकी होगी, आई वन की होगी, क्योंकि हमें पता है वो वाली प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिरर से क्या होती है, सेम बनती है, जिस मिरर से आपकी इमेज बन रही है। मिरर कौन बना रहा है, एम टू आपका इमेज बना रहा है, कौन सा बना रहा है, आई थ्री, ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है, आई वन। तो इस एम टू से आई वन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 20 और 15 कितना हो गया, 15 पे ना, हाँ 35 हो गया, 20 और 15 कितना हो गया 35, तो ये भी कितना होगा आपका 35 पे होगा, ये भी क्या होगा आपका 35 पे होगा। अच्छा तुम ये बता दो, बस मैं इतना करता कि जिसका जिसका अच्छा इस 35 ऐसे भी आ सकता है क्या, थोड़ा सा अलग वे से सोचना, इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि जो I3 आपकी इमेज है किसकी है, I1 की, I1 की डिस्टेंस कितनी थी 15, तो हमने 15 में 20 जोड़ दिया तो 35 आ गई। ये 20 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर हमें पता करना है कि जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस क्या है मिरर से, तो हम लोग पता करेंगे कि किसकी इमेज बनी है, मतलब किसकी इमेज मतलब बनी, मतलब क्या ऑब्जेक्ट बस पता कर लें और उसमें क्या ऐड कर दें, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट 20 को मैंने ऐड कर दिया। अब देखना तुमने I1 ऑब्जेक्ट का मैंने बना दिया, I1 I2 बन गया, I1 का I3 बन गया, अब I2 का बनेगा उधर बनेगा iPhone। अब हम लोग I2 का बनेगा तो ये देख लीजिए तुम्हारे लिए, इसे पीछे कर दो, तो यहाँ पे तुम मिला दो ये, तो ये तुम्हारा हो गया क्या I4 हो गया। अब मैंने बिना बिना कैलकुलेट किए बस हमें ये पता चल गया कि I2 की इमेज कौन I4 है, और I4 की डिस्टेंस M1, जिस हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, जो मिरर इमेज बना रहे कौन मिरर इमेज बना रहे, M1 बना रहे हैं। तो हमें बस पता करना होगा ये क्या है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बहुत फास्ट कर सकते हैं, कैसे, I2 की हम इमेज बनी, I2 कितनी है 5 पे हम क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे। हमने वही बताया कि बस जिसका इमेज बन रहा है, किसका इमेज बना है, I4 किसका इमेज है, I2 का इमेज है, I2 की लोकेशन क्या है 5 पे, हमने क्या ऐड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये सीखो ऐड किया करो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि I4 है आपका तो ये 5 है और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे तो 20 5 25, ठीक है ना, बिना कुछ किए। या अगर ऐसे देखना देखना चाहते हो कि डिस्टेंस क्या होगा बाय दिस प्रॉपर्टी कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी होगी जितनी मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी, तो देख लो M1 ने इमेज बनाया I4, I4 की डिस्टेंस उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट की होगी, तो M1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन बिहेव कर रहा है या I4 के लिए I2 कर रहा है, तो ये हो गया 20 5, ये 5 पे है और ये 5 है, ब्रैकेट मतलब क्या, ये 5 है ब्रैकेट 35 मतलब क्या, ये 35 है, तो ये कितना हो गया बच्चों 25 हो गया। उधर तो 2 हो गया, हमें चाहिए क्या, इधर 3 चाहिए, सेकेंड इमेज ऑफ थर्ड सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज, तो आप कैसे बनता रहेगा, मैंने बताया इमेज का इमेज बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट का इसने बना दिया, इसने बना दिया, फिर I1 का इसने I3 बनाएगा और फिर I2 का देखो ऐसे बना दिया, I1 का I3, I1 का I3 और I2 क्या हो गया I4 हो गया, ठीक है ना, I1 का हाँ I1 का I2 हो गया और I3 का I4 हो गया, पर अभी I4 बाकी है, ठीक है ना, तो ऐसे चलता रहेगा, ये मैं मिटा देता हूँ बस तुम्हें बताने के लिए था, ठीक है। तो अब क्या होगी बच्चों कि ये जो अभी ये भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो इसे बढ़ाओगे तो थर्ड इमेज मिल जाएगा, हमें बस थर्ड इमेज के लिए क्या चाहिए, इस वाले को मैं क्या करूँगा पीछे कर दूंगा, तो इस वाले को अगर मैं पीछे करूँ ये हो गया, यहाँ पे मिलेगा और मैं लिख रहा हूँ इसे I5 लिख रहा हूँ बच्चों I5। अब I5 की डिस्टेंस तुम्हें पता करना है, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में फटाक से तुम्हें पता करना है ये किसकी इमेज है, देखो ये पीछे यहाँ I4 की इमेज है, मतलब I4 क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसके लिए I5 के लिए, तो इसकी लोकेशन क्या है 25 है, हम क्या ऐड करेंगे 20 ऐड करें तो कितना मिलेगा 45। एक तो ये मिल गया, और तुम चाहते हो मिरर प्रॉपर्टी से कि ये जो मिरर 2 ने ये दूसरा तरीका मिरर 2 ने मिरर 2 का इमेज I5 है, हमें इसके डिस्टेंस पता करनी है और ये किसकी इमेज है I4 की इमेज, तो हम लोग बस ये पता कर ले कि मिरर 2 से I4 की इमेज कितनी है, तो ये 20 है और यहाँ तक कितना 25 है तो 45 हो गया, तो ऐसे ही पता कर सकते हो। तो एक बार बार ऐसे देखना और एक बार बस ऐसे पता कर लेना कि हमें किसका
इस आई फोर के लिए, इस आई फाइव के लिए कौन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, उसमें क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऐड कर दो, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर ऐड कर दो। हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो। तो हम लोग देख लो, ये आपका पूछ रहा थर्ड इमेज आपका आई फाइव हो गया, मिरर टू के लिए थर्ड इमेज हो गया, और मिरर वन के लिए आपका बच्चों कौन सा हो गया, सेकेंड इमेज आपका ये हो गया। तो ये यहाँ से कितना है बच्चों, 25 पे है, और ये आपका 20 पे है, और ये कितना है बच्चों आपका 45 पे है। तो आप लिख सकते हो कि जो i5 और क्या उसके i4, इसके बीच का जो डिस्टेंस कितनी बच्चों, 45 प्लस में 20 प्लस में कितना 25, तो कितना हो गया 45, 5, 50, 20, 70, 20, 90। तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर के आगे बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, कितनी होगी आपकी 90 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक एग्री करते हो, चलो बड़ी अच्छी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि एक जो अपने ने सीखा है ना, हम उसको यूज करने वाले हैं। ये देखो 90 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अच्छा हमें तुम ये बताओगे क्या कि यहाँ पे जो बच्चों फर्स्ट इमेज है 5 पे, मिरर टू की बात कर रहे हैं, मिरर टू की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट इमेज कितनी बच्चों, ये फर्स्ट इमेज 5 पे, मिरर टू की फर्स्ट इमेज 5 पे, सेकेंड इमेज कितनी बच्चों 35 पे, थर्ड इमेज कितनी बच्चों 45 पे, और यहां मिरर वन में लिख लेता हूं, मिरर वन की डिस्टेंस, मिरर वन की जो पहली इमेज है कौन है 15 पे, दूसरी इमेज कौन से बच्चों 25 पे, तीसरी पता नहीं है, तीसरी भी हम पता कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करते बच्चों, अगर हमें बस ये लिखना बस पता चल जाए ना, ऐसे बस हमें पता चले पैटर्न के तो सारा काम हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि हमें क्या पूछा था, ये हमारी क्या है कि मिरर टू से डिस्टेंस हो गई थर्ड वाली की 45 हो गई, और मिरर वन से कितनी हो गई 25 हो गई सेकंड वाली की। तो 45 और 25 कितना हो गया, ये देखो थर्ड वाली की इमेज कितनी है 45 है, सेकंड वाली की इमेज कितनी 25 है, तो 45 और 25 कितना हो गया 70, और इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा, ये 20 से तो छूट रहा है ना, तो ये 20 हो गया 90, ठीक है, तो हो गया मेरा। अच्छा मान लो कि ऐसे तुमसे पूछने लगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बता दो कि फोर्थ इमेज कहाँ बनेगी, मान लो सेवन्थ इमेज बोल दिया, तब तो आपको ड्रॉ करने में तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना, कितना ड्रॉ करोगे। तो हम क्या करना है कि अब हम जो इसमें पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इसमें हम लोग पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर देखो इसे तुम ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्ट करा हो ना, और यहाँ से पीछे करो बच्चों, तो ये तुम्हारी बता दे रहा हूँ मैं कहाँ बनेगी, ये मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें बनेगी 55 पे, ठीक है, ये बनेगी जो आपकी बनेगी 55 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग क्या 55। तो अगर हम बस पता कर लें कि इन नंबर में कोई पैटर्न बन रहा है, लाइक 5 और 15 में हम लोग बस क्या करें पैटर्न पता कर लें, तो मेरा सारा काम हो जाएगा, मेरे को इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइक अगर मैं बोलूँ, अच्छा तुम लोग देखना मैं पता कर रहा हूँ, एक पैटर्न को पता चल रहा है, मैं बार बार क्या कर रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर ऐड कर रहा था, थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं। तो जैसे मान लो क्या था कि पहली इमेज मान लो कि ये की 15 बनी, अच्छा ये 15 बन गई, ठीक है ना, ये 15 बनी, ये कितने बनेंगे, तो इसका इस आई वन का इमेज कौन बना रहा था i3, तो हमने क्या 35 कम मिला था, जब 15 में हम क्या कर रहे थे 20 ऐड कर रहे थे। एक काम करो तो थोड़ा सा ये हमने 20, अगर ये तुम्हारी मान लो कि 5 है ये 15, तो अगर हमें इसमें हम 20 ऐड करते हैं 25 में लिया क्या, सही तो यार, अगर हम इसमें 15 में फिर 20 ऐड करते हैं क्रॉस करके तो 35 मिल गया, सही है। अच्छा 35 में थोड़ा 20 ऐड करो तो 55 मिल गया, सही है। 25 में 45 ऐड करने पर 25 में 20 ऐड करने पर हम 20 ऐड कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर 45, अरे यार फिर तो सारा काम हो गया। तो हम लोग यहीं से एक मेथड अपन बनाते हैं, कौन सा मेथड भाई, क्रॉस वाला मेथड, कि आप मान लो सबसे पहले क्या करोगा, बस आपको पता करना हो, बस आपको पता नहीं को पता करना हो कि आपकी मिरर की लोकेशन क्या होगी फटाफट। लाइक आप लिख लो पहले M1 लिख लो, आप चाहो तो इधर लिख लो, M2 लिख लो, M1 की जो पहले आप क्या करो, M1 को क्या करो, तो मान लो कि M1 के लिए बस क्या करो कि बस ये पता कर लो कि M1 के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे 15, और M2 के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे 5, तो ये 15 हो गया और ये हो गया 5। शुरुआत में तो वही होगी ना इमेज 15 पे, देखो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मेरा वन से वही इमेज का डिस्टेंस है, तो पहली इमेज बन चुकी है M1 की 15 पे, और पहले जो M2 के लिए कितने पे बच्चों, M2 के लिए पहली इमेज 5 पे। अब हमें सेकंड थर्ड पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, क्रॉस करके 20 ऐड करेंगे, और ऐसे करके फिर सॉरी यार इसमें 20 ऐड करो, 20 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 35 मिलेगा,
इसमें 20 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। देख लो तो सेकंड इमेज M1 की सेकंड इमेज कितने पे, 25 पे। M2 की सेकंड इमेज कितने पे, 35 पे। फिर देखो इसमें 20 ऐड करो बच्चों तो कितना मिलेगा, 45 पे। और इसमें जब आप पैंतीस में 20 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपका, मिलेगा 35, 20 हो गया, 55 हो गया। तो M2 की जो थर्ड इमेज है ये कौन सी इमेज होगी, पहली इमेज, M2 के लिए सेकंड इमेज, M2 के लिए थर्ड इमेज। तो M2 की जो थर्ड इमेज बच्चों कितनी पे, 45 पे। अब M1 की फर्स्ट इमेज कितने बच्चों, M1 इसमें रन के लिए पहली इमेज 15 पे, दूसरी इमेज 25 पे, तीसरी इमेज कौन सा, 55 पे। अब तुम जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, सब निकाल सकते हो, तो सब निकाल सकते हो। लाइक इसमें आप जोड़ दो 20, तो 55 और 20 कितना होगा, 75 हो जाएगा। फिर इसमें 20 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर इसमें 20 ऐड कर दो तो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इसमें 20 ऐड कर दो 95 हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कहने का मतलब हम लोग इस रिजल्ट में पहुंच गए, ये जानना जरूरी। अब मत बोलना कि सर आप पहले बता देते तो ये सब करने की जरूरत क्या, मैं बताऊंगा क्यों जरूरत है। अगर थोड़ी सी ढंग के क्वेश्चन की बात आ जाएगी ना तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ यार जरूरत तो है, हाँ यार तब तो जरूरत है ना। तो अगर तो ये आपका एक मेथड बन गया कि आप क्या करो कि बस M1 लिखो, M2 लिखो, उनका डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट से वो लिखो और 20-20 ऐड करते जाओ। वो 20 क्या है, ऐड क्या हमें ऐड करना है, ये बहुत जरूरी। क्रॉस करो ऐसे और ऐसे, यहाँ पे क्या करना, ऐड डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर, जो दो मिरर के बीच में डिस्टेंस है बच्चों उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए चलिए एक और देख लेते हैं। लाइक चलो मैं फिर से क्वेश्चन देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे क्या है बच्चों आपका, ये 1 हो गया 1 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 2 सेंटीमीटर। ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपका M1 है, मिरर 1 है, क्या आपका मिरर 2 है। अगर बोले आपका कि इस M2 के लिए चौथा इमेज, इस M2 के लिए फोर्थ इमेज, और M1 के लिए क्या लिखना है आपका, फिफ्थ इमेज, कि लोकेशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, कहाँ से M2 की चौथी इमेज की डिस्टेंस और M1 की पांचवें डिस्टेंस की इमेज बताने लगे। हमें अब ये नहीं करना है कि ऐसे 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 करें और पीछे लेके जाए, नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे M1 लिखेंगे, ये M2 लिखेंगे। M1 कितना है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 है, और ये M2 कितनी है, 1 है। तो अब ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बन चुका है आपका, एक पहला इमेज बन गया, देख लो ये 2 पे है तो ये भी इधर 2 पे बन गया पहली इमेज I1, ये क्या है 1 पे तो इधर बन गया आपका I2, तो एक एक इमेज फ्रेम हो चुकी है। पहले इमेज तो भाई जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से उतनी तो बनेगी ना। लाइक देखो ना यार ये वाले प्रॉपर्टी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ से रे ऐसे जाएगी और ये ऐसे वापस हो जाएगी, तो जो मान लो कि डी है तो क्या होता है, डी होता है, तो जो ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस है वही तो होती है ना, तो हमारा एक बन चुका है। हमें बस डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर चाहिए, कितना है वैसे 2, 1, 3 ऐड करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, ऐसे कर देते पहले ही कर देता ऐसे। ठीक है, 2 में 3 जोड़ो 5, 1 में 3 जोड़ो 4, 4 में 3 जोड़ो 7, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 7 में 3 जोड़ो 10, चौथी चाहिए 1, 2, 3, 4, चौथी इमेज फॉर मिरर, नहीं पांचवी इमेज फॉर मिरर M1, पांचवी इमेज चाहिए मिरर 1, मिरर ये M1 है ना यार, M1 के लिए क्या पांचवी इमेज। अच्छा तो 1, 2, 3, 4 हुआ है तो एक और बढ़ा देते हैं, 11, 3 हो गया 14, 10, 3 कितना हो गया 13 हो गया। हमें क्या करना है, ऐड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर। ठीक है ना, तो 3, 2, 5, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 3, 11। ठीक है, पांचवी इमेज कौन सा बच्चों, ये पहला M1 के लिए, M2 के लिए बोला चौथा इमेज, M2 के लिए चौथा इमेज कौन सा भाई, 1, 2, 3, 4, 11 वाला। तो हमारे M2 की जो चौथी इमेज की डिस्टेंस बच्चों कितनी हो गई, 11 हो गई। तो चौथा इमेज कितना होगा, यहाँ से 11 होगा, और जो पांचवा वाला डिस्टेंस है बच्चों M1 का पांचवा वाला इमेज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, जो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस साइड कहीं आपका M1 का पांचवा इमेज होगा, मान लो ये फिफ्थ इमेज है यहाँ पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी बच्चों, यहीं से आप कितनी आपकी 14 है। तो अगर बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन, अगर ऐसे बोले डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेज ऑफ M2 एंड फिफ्थ इमेज ऑफ M1, तो क्या करोगे, तो फिफ्थ ये है और M1 डिस्टेंस बिटवीन, तो आप लोग बहुत लोग क्या करेंगे कि 14 प्लस 11 हो गया
25 बोलोगे जो कि गलत है। आपने तो ये और ये बता दिया ना, डिस्टेंस बिटवीन पूछा है दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस सॉरी दिस इमेज, तो ये इतना गए, इसके बीच में तो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर भी आ रहा है ना, तो 2, 1, 3 उसे भी तो ऐड करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर ऐड करना पड़ेगा, तो 28 होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको जब भी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो आप ये बताना ड्रॉ करके क्या करना कि हमेशा उसमें डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर ऐड कर देना, ठीक है ना। जब डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर की बात करेगा तब सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज की बात करेगा, क्योंकि उसमें क्या रहा का मतलब आ रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन मिरर भी आ जा रहा है। चलो एक बहुत ही तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो वो किस एग्जाम में आया हुआ है। तगड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टाइम देख लें बच्चों कितना बना है, 35 मिनट हो गया, ओह माय गॉड, बस इसी को एक्सप्लेन करने में, बताओ अभी कितना कुछ बाकी है। अच्छा बच्चों एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये आपका एक मिरर है, ये एक मिरर है, मान लो कि आपका मिरर M1 है, M1 है, और ये क्या आपका मिरर 2 M2 है, ये भी तो पैरेलल है ना, इसे क्या पैरेलल बोलेंगे, ये दोनों मिरर क्या पैरेलल है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों और ये बोला है कि यहाँ से आपकी 2 मीटर डिस्टेंस और यहाँ से भी इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर M1 से 2 मीटर है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मिरर M2 से कितनी बच्चों, वो भी क्या आपकी 2 मीटर है। अब बोला है इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा 4, तीसरा 10 और 5वां 2, नंबर ऑफ इमेज बना दो। अब जो तुम लोग बताना चेक करके आंसर, बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोगों ने इसे कर लिया तो समझ लो कि मतलब बहुत ही अच्छा, बस इतना ही समझ लो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि सर ऐसा है कि इनफाइनाइट होगा क्योंकि दोनों मिरर क्या है पैरेलल है, इसलिए ब्लाइंड मतलब एक होता है ना ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो करना, वो चीज़ नहीं करना था, इसलिए नंबर ऑफ ये मैं लिखवा सकता था स्टेटमेंट कि जब भी दो मिरर प्लेन है जब भी आपके दो प्लेन मिरर हैं तो उनके बीच क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगी, और रे डायग्राम विदाउट रे डायग्राम ड्रॉ किए हुए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आएगा रे डायग्राम की यूज क्या थी। एक और चीज, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट क्यों होने थे मेरा सवाल, तो तुम लोग बोलोगे सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था एक रे से दूसरे रे पे, लाइक ऐसे में बोल रहा था कि मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट आपकी तो यहां से रे चली ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गई दूसरे पड़ गई, अगर दूसरे पर ना पड़ती तो क्या इधर इमेज बनता इधर नहीं, तो अब क्या हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक पे रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरे पड़ जा रही है, और फिर उस रिफ्लेक्शन को हम लोग पीछे लेके जा रहे तो इमेज बन जा रही है। इस केस में देखना क्या होने वाला है, देखना इस केस में क्या होगा, हम लोग इसका क्या बनेंगे, इधर तो एक रे तो हम लोग यहां चला देंगे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होगी पीछे बढ़ा दिया, ऐसे यहां से जाएगी रिफ्लेक्ट होगी पीछे बढ़ाते हैं, मैंने ऐसे पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने ऐसे पीछे बढ़ा दिया, यही तो होता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक रे के लिए क्या करो जो ऑब्जेक्ट लाइन उसको बढ़ा दो, बस वो एक रे बन चुके। अब क्या कर लो कि अब ये 2 मीटर पे तो हमें पता है कि ये जो इमेज पहले बनाएगा वो कितने पे होगा, मान लो कि M1 ने इमेज बनाया I1 बनाया और वो कितने पे होगा, वो भी आपकी 2 मीटर पे होगा। अब रे डायग्राम ड्रॉ कर ले तो एक तो रे आपकी यही है, दूसरी कौन सी होगी बच्चों आपकी, ये ऐसे जाएगी और यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और मैंने पीछे बढ़ा तो ऑलरेडी बढ़ा दिया तो रिफ्लेक्ट हो गए, एक इमेज I1 बन गया। अब ये बताओ कि क्या इससे कोई और इमेज बन सकती है इस रे से, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मिरर है नहीं, अगर वहाँ पे सपोज करो ये मिरर होता ऐसे तो फिर यहाँ से जाती और रिफ्लेक्ट करती तब जाकर मैं इसे पीछे बढ़ा देता और इमेज बनती, पर वो तो यहाँ पर मिरर है ही नहीं आपका। अब बताओ अब समझ में आया रे डायग्राम का यूज, तो अब ये जो आया यहाँ से और ये क्या हुआ यहाँ से निकल गई, यहाँ से क्या हो गया निकल गए, तो बस इस रे के वजह से मात्र मेरा एक ही इमेज बन गया 2। अब इस रे की यूज खत्म है क्योंकि मिरर यहाँ पे है ही नहीं, तो आपका वहाँ से कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम पीछे रे को नहीं बढ़ाएंगे तो मेरे को इमेज नहीं मिलेगी,
देख समझ में आया, ऐसे ही आपके इधर उधर के क्वेश्चन पूछे, ये मेरा काम हो गया। अब मिरर टू क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पर बनाएगा कितने पे, 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट, तो इधर भी क्या करेगा 2 मीटर पे बनाएगा। तो चलो मैंने मान लिया I2 बनाया, कैसे होगा इसे मिटा दे रहा हूँ, एक तो रो वो रे है ही और एक रे ये मेरी होगी ऐसे, तो ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, मैंने इसे क्या करते पीछे बढ़ा देंगे, I2 बन गई। अब ये बताओ इस रे का तो खत्म हुआ कहानी, अब ये इमेज नहीं बना सकती रे, और क्या ये रे बनाएगी क्या, ये भी नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पे तो कोई मिरर है ही नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको बढ़ा देता ऐसे ऐसे तब जाके ऐसे रिफ्लेक्शन होता, पर है ही नहीं। तो इस केस में बच्चों कितना बनेगा आपका रे, इमेज कितनी बनेगी आपकी, 2 इमेज बनेगी। तो ऐसे आपके क्वेश्चन घुमा फिरे के आते रहेंगे, तो इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि रे डायग्राम तरीके से बस सीख लो, सारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक हो गया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा आपका वीडियो लंबा ना जाए, लेकिन फिर भी अपन एक काम करते हैं, फिर भी कुछ तो हम लोग वीडियो कवर करेंगे, 40 मिनट हो गए, एक और हम लोग कवर कर लेते हैं। ये हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बच्चों लंबा जाए, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी भी स्पीड बढ़ा दूंगा तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। केस फर्स्ट की सारी कहानी हमने देख ली, शॉर्टकट कैसे करेंगे, रे डायग्राम कैसे ड्रा करोगे, सब कुछ हो गया। केस सेकंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, केस थर्ड तो बहुत ही है, तो हम लोग उसके लिए एक मंत्र हम लोग याद रखेंगे और मंत्र बाद में बताएंगे, पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि कल को अगर घुमा फिरा क्वेश्चन आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केस सेकंड है बच्चों, जब थीटा क्या हो 90 हो, मतलब क्या है 2 मिरर आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 मिरर। देखो इसका रे डायग्राम अगर आगे समझ में तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। 2 मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देखो बच्चों कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बच्चों, 2 मिरर है, समझना इसको, ये तो और ही थोड़ा सा वो है, और बच्चों मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, इनके बीच में कहीं रख दिया मैं यहाँ पे, इट्स लगी यहाँ पे, चलो और पास में नहीं, ये सही है, चलो यहीं पे ले लेते हैं, यही भी लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, एक्स है, और ये क्या आपकी वाई है, ठीक है, या सेम ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई क्या छोड़ना है, लाइक ऐसे, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ए और ए है, मतलब क्या समझे आप कि ये जो है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यहाँ से भी ए है और वाई वाला भी क्या है आपका, ये वाला भी क्या आपका ए है, ये मतलब है ना। चलो मतलब ये बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपकी कितनी होगी, ए हो गई, और ये भी कितनी होगी, ए हो गई। अब विदाउट रे डायग्राम जब भी ऐसी चीज़ें आए तो सबसे पहले ऑब्जर्व तुम्हें करना आना चाहिए। ये मैं मान लिया मिरर वन मान लिया, चलो इसे मैं मिरर वन मान लेता हूँ, और ये मिरर टू हो गया, ठीक है। अब बताओ कि ये ऑब्जेक्ट क्या मिरर वन के सामने, हाँ है, तो ये इमेज बनाएगी, हाँ बनाएगी, कितने अगर ए डिस्टेंस पे, तो ए नीचे डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनाएगी यहाँ पे अप्रॉक्स। तो ये मैंने मान लिया कि जो मिरर वन ने बनाया इमेज वो क्या होगा आपका, I1 हो गया, यहाँ तो एग्री करते हो। चलो एक इमेज बच्चों ये भी बनाएगी इस ऑब्जेक्ट के सामने, ये कौन सी बच्चों, भाई ये जो ऑब्जेक्ट मिरर टू के सामने है तो यहाँ पे तो रे लड़ेगी, और ये भी बनाएंगे जितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, तो इधर भी क्या करेंगे, ए डिस्टेंस बनाएंगे, तो ये आपकी ए डिस्टेंस में बढ़ा दी, और ये मिरर टू है तो मिरर टू के लिए मैंने बना दिया कि ये जो इमेज है आपका कौन सा हो गया, I2 हो गया, ए ही डिस्टेंस पे, बोलो यहाँ तो एग्री कर दो। अब देखो सबसे खतरनाक वाली बात आने वाली है, वो मैं तुम्हें यहाँ सिखा देता हूँ बच्चों। एक छोटा जो मिरर होता है ना, उसे समझना कि वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब क्या, एक छोटा सा मिरर उतना ही खतरनाक है जितना एक बड़ा मिरर है। अब बोलोगे सर कैसे, दिखा देते हैं कैसे, सर ये मैंने बताया भी, बहुत लोग समझते हैं बच्चों कि अगर ये मान लो कि ये क्या आपकी, ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज आपकी ऐसे इधर बनाएगी यहाँ पे, एक रे आप यहाँ से निकाल दो और रिफ्लेक्ट पीछे बढ़ा दो, एक रे क्या करो ऐसे किसी एंगल पे ले लो, यही दो रे निकालना था ना ऑर्बिटरी एंगल पे, और ये पीछे कर दो, तो ये आपकी इमेज बन गई।
तो लोग समझते हैं कि सामने रहेगी तभी बनेगी, नहीं बच्चों। ओहो हो, एक सेकेंड, वायर हिल गया यार, आई होप सो। हाँ ठीक, खींच गया मेरे से वायर ही। तो काम की बातें करते हम लोग जहाँ पे थे। तो एक तो सामने हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है सामने होगा नहीं तो नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों, कहीं पे रखो बनेगा। लाइक समझो कि ये आपकी इतनी मिरर है, अब मैं लाइन द्वारा मिरर बनाता हूँ कि ये आपकी इधर लाइन में बढ़ा दिया, मिरर तो आपकी इतना ही है। अब मान लो कहीं आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ से देखो कैसे बनाने वाली है, यहाँ से आएगी एक रे रिफ्लेक्ट करके पीछे बढ़ा दो, पहली रे हो गई, दूसरी रे तो ऐसे कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो मिरर है ही नहीं। दूसरी भी रे तुम क्या करो, एक यहीं से ले लो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करा दो, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये इमेज बन गया ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू रे, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे क्या कहलाता है, इमेज बनाएगी। तो इमेज बन गया, किसकी बन गया, ऑब्जेक्ट की। तो देख लो ये इसलिए बोला जाता है कि अब देखो लाइन जो आनी मिरर की लाइन, ये मिरर वाली लाइन है और ये ऑब्जेक्ट जो मिरर से डिस्टेंस होगी क्या होगी, मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी डी। क्या इसके सामने, क्या मतलब इसके जस्ट सामने था, ऊपर नहीं, आपके इस साइड है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ये तभी बना पाएगी जब इसके सामने पढ़ना चाहिए कहीं भी हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई समझना लाइक, तो आप ये समझ लो कि इस मिरर को ऐसे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, कहानी वही है। तो आप देख लो एक छोटा मिरर बिहेव कर रहा है क्या इनफाइनाइट की तरह, है ये इतना ही, लेकिन बना दिया फिर भी इतना ही। तो अब ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के सामने होगा। क्या जरा सोचो कि क्या ये ऑब्जेक्ट मैं इधर रख दूंगा तो यहाँ से होगा, ये तो रे जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ऊपर वाली है, इसे बोलते हैं बच्चों ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऊपर वाली, ये जो आपने ऐसे से कर दिया मतलब इधर यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, पॉलिश कर दिया आपने, पॉलिश सरफेस हो गया। इसलिए बहुत सारे तुमने हॉलीवुड मूवी देखते हो गए, चाहे डिफेंस वगैरह में, उन्हें जब जो भी एनिमी नहीं देखते तो क्या करते, प्लेन मिरर को यूज करते हैं और ऐसे 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 कर करके देख पता करते हैं कि कहाँ पे एनिमी आपके छुपे हुए, फिर आपका क्या करते हैं, क्या करते हैं, फायर करते हैं। तो अब देखो वही, अभी ऐसी थोड़ी कि मैं नौटंकी यहाँ से हट के वो नौटंकी ऐसे कर रहा था, भाई उस नौटंकी का यूज है। अब देखो क्या यूज है, अब ये इस ऑब्जेक्ट का मिरर वन ने बना दिया, आई वन मिरर बना दिया, आई टू बना दिया। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, अब मेरे को बताओ कि ये आपका क्या है, मिरर टू है, क्या इसके सामने ऑब्जेक्ट तो था तो बना दे, क्या इसके सामने कोई भी आ जाएगा तो इमेज बना देगी, इमेज का भी इमेज बना देगा। ये आई वन आ गया, आई वन इमेज किसकी इमेज है, किसकी इमेज है, वन की इमेज है। तो इस इमेज का मिरर कौन इमेज बनाएगा, मिरर टू बनाएगा, कितने डिस्टेंस है बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो इधर भी कितना होगा आपका, ए पे ही होगा। तो यहाँ पे कहीं बना दिया, कहाँ बना दिया, यहाँ पे कहीं बना दिया, ठीक है, ए पे। चलो मैं इसे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे डैश डैश करके, ठीक है, ये अगर ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी। अच्छा भाई यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जरा सोचो कि ये जो आई टू है, आई टू की भी इमेज बनाएगी, कौन कौन इमेज बनाएगी भाई, क्योंकि ये मिरर वन के सामने आ गया। इसको समझने के लिए बस ये समझो कि जिसके सामने, अगर मिरर के सामने इमेज भी आ जाए तो इमेज की इमेज बना देगी। तो मिरर वन के सामने कौन आ गया, आई टू आ गया, किसका इमेज है, टू का इमेज है, वो किसका भी इमेज है हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या, आई टू कोई सामने आ गया, अब क्या करेगा, उसका भी इमेज बना देगा, कौन, मिरर वन बनाएगा। इसकी कितनी डिस्टेंस है, अगर हम इसको बढ़ाएं तो इसके डिस्टेंस बता दूँ कितनी, ए ही है, तो नीचे भी कितना बनाएगा, ए ही बना देगा। तो यानी कि कहाँ पे आ गया, ये वहीं पे आ गया, ये भी तो ए है ना, और ये भी ए है। तो यानी कि यहाँ यहाँ पे दो इमेज बन रही है, एक तो आई वन का बन गया और एक आई टू का बन गया, इमेज का इमेज बन गया, और कहाँ पे ओवरलैप कर गए, यहाँ पे कोइंसिडेंट कर गए। तो मैं क्या मान लूँ, यहाँ पे आई थ्री मान लेता हूँ, यहाँ पे दो इमेज है बच्चों, यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। एक चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इमेज ऑफ ये कौन है, ये देखो ये आई वन का, आई वन किसके सामने है, टू के सामने है, तो कौन बनाएगा इसका इमेज, टू ही बनाएगा, किसका, आई वन का। तो इमेज ऑफ आई वन फाउंड बाई टू, एक तो इमेज ही बन गए और दूसरी इमेज कौन है भाई,
ये आई टू इमेज किसके सामने है, तो वन के सामने है, तो कौन बनाएगा, वन बनाएगा, तो इमेज बना दे, इमेज ऑफ टू बाई वन बन गया। तो यहाँ पे दो आप देख रहे हो इमेज बन गए, आई वन टू आई टू वन, वन का इमेज बाई टू, टू का इमेज बाई वन, क्यों बना, क्योंकि सामने यहाँ पे दो इमेज बन गया। तो लेकिन अब इमेज की इमेज कितना हमारा एक ही पे बन रहा है बार बार, तो देखेंगे कि कितनी, एक ही, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई, तीन हो गई, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई, तीन हो गई, दिख रही है कितने में है, कितनी बोलने के लिए चार है, पर दिखेंगे कितनी, तीन, तो नंबर ऑफ इमेज हम लोग कितने बोलेंगे, तीन बोलेंगे, नंबर ऑफ इमेज कितने हम लोग बोलेंगे, तीन बोलेंगे। अब इसके अब सवाल ये उठता है कि क्या सर इसका कोई तरीका है क्या, आप तो मान लो 90 पे है अभी, ऐसे तो मान लो कि 90 पे चार दिखा दे, किसी और भी एंगल पे होगा तो और फिर दिक्कत होगी, तो फिर कोई तरीका है क्या, हाँ इसका तरीका है, एक फॉर्मूला था बच्चों कि नंबर ऑफ इमेज एन होता है, देखो एन होता है और एन की वैल्यू होती है 360 बाई क्या होता है 30 होता है, एन की वैल्यू क्या होगी, पहले एन निकालो, एन की वैल्यू क्या होगा 360 बाई 30 थीटा होगा, थीटा क्या एंगल बिटवीन टू मिरर है, तो ये दोनों बीच की मिरर के बीच की एंगल कितनी 90 है, तो अगर ये 90 है बच्चों, तो अगर तुम पुट करो 90 यहाँ पे 360 अपॉन में 90 तो कितना आ गया 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 है, और ये क्या आपका इवन है, ये क्या आपका इवन है, बस ये जरूरी है। अब एन की वैल्यू 4 है तो क्या मिरर कितने, इमेज नंबर ऑफ इमेज कितना भी हमने काउंट किया 3 है, यानी कि 4 में से एक कितना, 4 में से अगर तुम एक घटाओ तो कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज बनेगी मिलेगी, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका 4-1 यानी कि n-1 और n की वैल्यू कितनी 4-1 कितना हो गया 3 आ गया। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूले से तुम्हें सेटिस्फाई करके दिखा दिया और मैंने इसे काउंट करके सिखा दिया, तो हम लोग क्या करने वाले, अब देखो ये फॉर्मूला के टर्म कंडीशन क्या है, फॉर्मूला आपका यही है, यही लगेगा एन की वैल्यू कितनी होगी 360/30 थीटा, थीटा का एंगल बिटवीन टू मिरर, एन की वैल्यू 4 होगी, तो एन की वैल्यू 4 मतलब क्या, वो नंबर ऑफ इमेज नहीं होगी, नंबर ऑफ इमेज देखो होने वाली क्या है, अगर एन की वैल्यू 4 जो इवन है, अगर वो बच्चों इवन नंबर आ रहा है तो क्या करोगे तुम लोग, हमेशा क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे, ऑलवेज डजेंट मैटर कि उसकी लोकेशन क्या है वहाँ पे बीच में, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक, आगे तुम समझ में आएगी, एक घटा दोगे 3 हो जाएगा। अब सवाल ये जाएगा तब हमें मिलेगा नंबर ऑफ इमेज 3। अब सवाल मेरा ये कि तुम लोग पूछ सकते सर एक क्यों घटाया, तो सर तुम देख लो क्यों एक घटा, क्योंकि एक इमेज तो कोइंसाइड कर रही थी ना आपकी, ओवरलैप कर रही, तो वो तो हमें हटाना, हमें दिखेगी एक ही, तुमने क्या कर दिया 1 कर दिया। अब से याद रख लो, तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते बिना कैलकुलेशन किए हुए ऐसे करके, लेकिन ये जरूरी आपको करना ताकि फील आए कि एन की वैल्यू 360/30 इवन आ गया तो एक घटा देना। अब ऑड आएगा तब क्या करोगे, तो उस केस में अलग अलग केस और हम लोग आगे केस थर्ड में देखेंगे। अभी मैंने आपको ये बता दिया, मेरा कुछ यहाँ पे तुम्हें सिखाना तो वो पहले सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं तुम लोग को इमेज रे डायग्राम तुम्हें सिखा रहा हूँ उसका, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, पर ट्राई करना सीखने की जरूरी है, क्योंकि एक दो एडवांस लेवल क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, एडवांस के ही लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपके फॉर्मूले पर काम हो जाएगी। चलो बच्चों अब मैं रे डायग्राम यूज करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, तुम्हें बस ये प्रॉपर्टी बताना चाहिए कि रे डायग्राम दो इमेज की वजह से, दो रे के इंटरसेक्शन की वजह से बनती है। सब कुछ भूल जाओ, अगर सोचो कि ये मेरा वन है और मेरा वन का ये जो ऑब्जेक्ट इसकी इमेज आई वन यहाँ बन रही है तो कैसे बनेगी, तो ये बनेगी आपकी एक रे, मैं क्या करूँ यहाँ से डालूँ, यहाँ पे मिरर वन पड़ेगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मैं इसे पीछे बढ़ा दिया ऐसे। दूसरी रे मैं क्या करूँ कि ऐसे क्या करूँ किसी एंगल पे ले लूँ, और फिर यही तो मैंने बताया था शुरुआत कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे याद रखनी, एक तो नॉर्मल इंसिडेंट बोलेंगे और एक क्या बोलेंगे किसी ऑर्बिट्री एंगल पे, और मैं क्या करूँ कि इसे पीछे कर दूँ और इसे बढ़ा दूँ, तो क्यों ना चलो पहले ही इसे बढ़ा देते हैं फिर बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गया और मैंने पीछे बढ़ा दिया तो मेरे को आई वन मिल गया, ये काम हो गया मेरा। अच्छा टू का कैसे मिलेगा कि यहाँ से एक रे बच्चों जाए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसे पीछे बढ़ा दूँ और एक मैं क्या करूँ ऐसे ले लूँ और मैं एक ऐसे निकाल दूँ और मैं इसे क्या करूँ पीछे बढ़ा ऐसे मिला दूँ, ठीक है। ठीक है तो ये मेरी हो गई, तो हमने आई वन आई टू तो बना दिया। अब देखो सारा कहानी यहाँ बन नौटंकी होने वाला है कि यहाँ पे जो अपने दो यहाँ पे इमेज बन रहे थे ना कि इमेज इमेज का इमेज आई वन की इमेज कौन बनाएगा, किसके सामने टू बनाएगा यहाँ पे, और आई टू की इमेज कौन बनाएगा ये किसके सामने मिरर के सामने बनाएगा, तो यहाँ बनेगी सेम लोकेशन पर। अब देखो कैसे बनने वाली, ये बहुत ही कमाल की, इसे समझना, ये बहुत लॉजिक है यहाँ पे, इस लॉजिक को समझना है, अगर समझ आए तो बेहतर है अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, ये एडवांस के लिए बता रहा हूँ। मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ
कि इसको फिर स्टेटमेंट सुनो कि ये जो I1 की इमेज मिरर 2 के सामने है, तो I1 की इमेज कौन बनाएगा? मिरर 2 बनाएगा। I1 की इमेज मिरर 2 बनाएगा, कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा। एज रूल के तहत ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और ये इमेज की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए? मिरर 2 के लिए। I1 बिहेव करेगा, I1 बिहेव करेगा क्या ऑब्जेक्ट मिरर 2 के लिए? क्या ऑब्जेक्ट की तरह, और यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी और मैंने नाम दे दिया इमेज ऑफ 1/2। तो इमेज ऑफ I1 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है ऑब्जेक्ट, ये ना मिरर 2 को देख रहा है। आपको तीन चीज़ ध्यान दो, मिरर 2, I1 और I1 2, बस इतना ध्यान दो और कुछ नहीं। एज ए रूल के तहत होना चाहिए बच्चों कि ये I1 से इंसिडेंट रे निकलनी चाहिए और जब यहाँ पड़ेगी मिरर 2 पर रिफ्लेक्ट करूँगा तो मेरे को मिल जाना चाहिए, यही होना चाहिए। पर I1 तो इमेज है, पर वहाँ से तो रे आती हुई लगेगी। जब भी इमेज से रे आती हुई लगती है, निकलती नहीं, रे तो आती है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ये I1 से हमने क्या किया कि रे निकालते हैं। बहुत तगड़े लेवल तुम्हें बता रहा हूँ, इतना याद रख लो। चलो तो मैंने क्या किया बच्चों कि I1 से मैंने क्या किया, रे निकाला ऐसा। तुम लोग बोलोगे सर रे तो निकलेंगे नहीं, आप तो गलत कर दिए। तो मैंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप तो घबराओ मत। तुम लोग पहले मानो कि I1 ऑब्जेक्ट मिरर 2 के लिए कर रहा है, तो यहाँ से रे निकलती हुई लग रही है, डैश 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 के अंदर निकलती हुई लग रही है और ये आपकी निकल गई। तो बोलोगे जादू थोड़ी हो रहा है, कैसे निकल गई? मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे से ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मिला दो, ऑब्जेक्ट से निकली, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, मैंने पीछे बढ़ा दिया, बात वही हो गई। देखो बात ये है बस, ये अगर ये तुमने समझ लिया सारा काम हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकले और मैंने इसे पीछे बढ़ा दिया रिफ्लेक्टर रे को, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई और ये डैश डैश। तो अभी आपने आपने क्या सीखा था, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट से रे निकलती है और क्या होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और अगर मैं उसे पीछे बढ़ा दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इमेज बन जाएगी। लेकिन मैं इस चीज़ को उल्टा बोलने वाला, अगर उल्टा समझिए तो सारा काम हो जाए। मैं बोलूँगा ये कि ये जो रे है बच्चों, मैं बोलूँगा कि ये जो रे है, ऐसे बोलेंगे कि किससे निकल रही है, इमेज से निकल रही है, यही तो काम हो रहा था वहाँ से। तो तुम बोलोगे इमेज से कैसे निकलेगी सर, तो मैंने बोलूँगा यहाँ से डैश डैश कर दो और ये तो निकल के यहाँ से मिला दो, वही कहानी हुआ है वहाँ पे। तो ये हमने निकाला, इधर डैश डैश कर दिया, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो मतलब वो देख लो, इसे ये यहाँ से रे आई, रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे समझाता तो शायद तुम्हें दिक्कत होती। तो अब तुम्हें बस इतना समझना है कि इमेज I1 से रे निकलती हुई लग रही है, बस यहाँ मिला देना, बस खत्म करनी इसको। मैं सोचो लग रही है, अब ये मिरर 2 पे पड़ गई, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करके क्या करेंगे, पीछे मिल जाएगा तो इमेज मिल जाएगा। तो पहले क्यों मिला देते हैं ऐसे, तभी जाके रे डायग्राम सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा थोड़ा सही होगा। चलो तो ये रिफ्लेक्ट हो गई और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पीछे बढ़ा दिया, ऐसे पीछे बढ़ा दिया। देखो इसे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, देखो यार इसे अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या बना दिया बच्चों कि ये बना दिया I1 का I1 2 बना दिया। अब तुम्हारे लिए काम छोड़ दूं क्या कि अब तो इमेज 1 का वो I1 का इमेज 2 मिरर 2 ने बना दिया, अब I2 की इमेज बनाएगा कौन? बनाएगा मिरर 1 बनाएगा। तो ये तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ वरना तुम्हारे बहुत इसमें हिचपिच हो जाएगा। तरीका क्या है बस कि अगर बस अब तुम ये सोचो कि I2 का इमेज कौन बनाएगा, मिरर 1 बनाएगा, क्या नाम देंगे, अब इसको मिटा देना, क्या नाम देंगे कि इमेज ऑफ I2/1। तुम्हें तीन सोचना है कि I2 ऑब्जेक्ट तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका किसके लिए, मिरर 1 के लिए, और ये क्या होगा आपका इमेज हो गया, बस इतना ही। रे कहाँ से आती हुई निकलेगी, यहाँ से आएंगे ऐसे, चलो मिला ही देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ऐसे आती हुई लग रही है ऐसे। देखो यहाँ पे यार बहुत हो जाएगा, कहीं भी ढंग से नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। बस तुम समझ लो कि देखो देखो मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम्हें बना लेना, इसमें बहुत हो जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए मिटा दिया, अगर तुम्हें बनाना होगा तो, अगर तुम्हें बनाना हो तो कैसे बनेगी बता रहा हूँ, यही फंडा और कुछ नहीं है। I2 इमेज जो है ऑब्जेक्ट तरह बिहेव कर रहा है, ये आपकी इमेज है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलती है, भले ही ना निकले भले आती तो लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अब ये आपकी इधर क्या करो, डैश रखो इधर मिला दो, क्योंकि ये मिरर के बाद वाले पीछे जो रे होती है डैश में होती है, तो ये आती हुई लग रही है। पर भाई ये कहाँ से आएगी, ये देखो कहाँ से आएगी, तुम यहाँ से मिला दो इसे। तो बेसिकली क्या है कि जो रिफ्लेक्ट, अब उल्टा बोल रहे हैं, जब ये यहाँ से रे आई रिफ्लेक्ट हो गई है, उसे मैंने पीछे बढ़ा दिया है, अब ये जो यहाँ से इंसिडेंट रे बन गई, अब ये देखो यहाँ से आती हुई लग रही, बस लग रही ख़त्म कहानी, और यहाँ से क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी, अब पीछे मिला देंगे तो ये मेरी इमेज बन जाएगी, ठीक है।
तो ये डायग्राम था तुम्हारे ऊपर था, अब तू यू आपको सीखना है तो अदर सीखे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। फिफ्टी नाइन, एक घंटा पहुंचे गया, बाप रे। एक एडवांस लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, एम्स में आया शायद क्वेश्चन है। अब हमें बता दो बच्चों, अब तुम्हें रे डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आपका मिरर वन हो गया, ये मिरर टू हो गया। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपकी मिरर नहीं है, यहाँ पे खाली है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ए और यहाँ से भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या ए। अब बताए नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, चार तीन दो एक। चलो ये रे डायग्राम से लगेगा क्योंकि आप मिरर कट कर दिया है तो यहाँ विदाउट रे डायग्राम से नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट इसके सामने थी आपकी इमेज बन गई, यहाँ पे बन गई, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है, आई वन हो गया, और ये आपकी इमेज यहाँ पे बन गई आई टू। रे डायग्राम बनाओ कि एक यहाँ से रे आएगी और ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी लाइक ऐसे, ठीक है, और यहां से आपकी आ गई एक, ये हो गई आपकी ऐसे, पीछे बढ़ा दिया, और आपकी एक ऐसे जाएगी और यहां से लिफ्ट होगी, दो रे होगी। अब तुम बोलोगे सर ऐसा है, आपने बताया मिरर टू के सामने कौन है, इमेज आई वन है, और आप तो बोल रहे कि सामने होगा तो बना देगा, है ना, पर यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो तब बना जैसे हो जाए। तो तुम बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला कि आई वन तो यहाँ बन जाना चाहिए, यहाँ सर आप लगा दो कि आती ही लग रही है, चलो मैं लगा दिया आती ही लग रही है ऐसे, है ना। तो बच्चों वहाँ पे ये कहाँ से आएगी, आती हुई लग रही आएगी नहीं ना, क्योंकि जब वहाँ पे वो जो मिरर था ऐसे तो हम लोग ऐसे कर दिया था ऐसे डैश डैश, और यहाँ पे हमने फुल रे लिया था और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही थी यहाँ से रे, अगर यहाँ मिरर है नहीं तो यहाँ से रे कहाँ से आएंगी। ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि अब ये जो इमेज की इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो इमेज की इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी, इसका भी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो रे है आएगी नहीं ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ये, चलो यहाँ पे जब रे आएगी तभी तो ये पीछे बढ़ाओगे ना, तभी तो आती हुई लगेगी ना यहाँ से, तो ये तो मिरर है ही नहीं, तो यहाँ पर रे इधर पड़ेगी नहीं, तो आपके कितनी इमेज बनेगी, दो इमेज बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, दो होगी बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम लोग लेने वाले बच्चों थर्ड केस, अरे यार इसमें कुछ एक छूट गया है, वीडियो लंबा ही जाना था, चलो कल उसको हम कवर कर देंगे एक लेक्चर, 8:46 हो गया, चलो एक कोशिश में सिखा देता तुम्हें लाइक ऐसे, देखो ये जो अभी मैंने बनाया था ये आपकी ऑब्जेक्ट है, और हमने देखा कि अगर ये ए डिस्टेंस पे तो इधर भी ए पे बन गए, इधर भी आपकी ए बन गए ऐसे समथिंग, और इधर भी बन गए, ये ए ये ए ये ए ये ए और ये और ये यहाँ से, ठीक है। अच्छा मैं बच्चों ये बता दो कि ऑब्जेक्ट और ये मेरा आई वन था, तो ये यहाँ से रे आई और ये वापस चली गई ऐसे लाइक ऐसे, तो बाय द सिमिलर ट्राइंगल अगर दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, है ना, दिस इक्वल्स टू दिस और ये वाले कॉमन है, तो ये तो अपने आप ही बराबर होगी ना, ये रे और ये रे, बोलो। पर आप ऐसे सीख लो बच्चों कि अगर आप ऐसे सीख लो कि ये आपकी क्या है ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज बन रहा है,
तो आपकी ये तो ये रहेगी, आपकी ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट इमेज, ये भी आपकी डिस्टेंस क्या होने वाली, सेम रहने वाली, क्या रहने वाली, सेम डिस्टेंस रहेगी। चलो तो मैं बेसिकली जो सिखाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पे आता हूँ। तो अब तुम लोग देखो बच्चों कि वो है ऑब्जेक्ट है आपका, ये इमेज आई वन था, ये आपकी इमेज टू था, और यहाँ पे आपके दो इमेज थे, यहाँ पे इमेज ऑफ वन बाई टू एंड इमेज ऑफ टू बाई वन, यहाँ पे दो 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 क्या थे आपके, दो मिरर, सॉरी दो इमेज थे। तुम्हें मैं ये सिखाने वाला हूँ कि बच्चों को ये जो डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ रे से जो सेम रहने वाली है, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से जो, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर कौन है, ये मान लो पॉइंट ओ है, नहीं सी मान लो, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर कौन है, सी है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये वाले, क्या सेम डिस्टेंस आपकी ये होगी, क्या सेम डिस्टेंस आपकी ये होगी, क्या होगी, बिल्कुल होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो क्या है आपका, ये टू ए लेंथ के स्क्वायर है, स्क्वायर के क्या डायगोनल है, तो बीच से डायगोनल का जो होता है इंटरसेक्शन क्या करता है, बराबर बराबर काटता है, इक्वल करता है। तो आप समझ, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इस इंटरसेक्शन ऑफ रे से, सॉरी इंटर बार बार रे बोला, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर यानी कि जो सी पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज आई वन की डिस्टेंस है, जितने भी इमेज है सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपको पता होगा कि सर्कल का डेफिनेशन ही होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से उसके सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हमें कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो सी बन गया, सेंटर बन गया, और ये सर्कमफेरेंस बनने वाले हैं सर्कल का। तो बेसिकली हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और देखो तुम्हें एक चीज सिखाने वाले हैं। तो हमें एक पॉइंट समझ में आ गया बच्चों कि जो भी दो मिरर होते हैं, दो मिरर की वजह से जितने भी आपके इमेज होती है वो किस पे लाई करते हैं, एक ऐसे सर्कल पे लाई करते हैं। इमेज फाउंड बाय टू मिरर लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच हैव सेंटर मिर इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर एंड रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर एंड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि भाई जितने भी इमेज है, बोला कि दो मिरर के द्वारा बने हुए जितने भी इमेज होते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, और भाई अब बताना पड़ेगा ना कौन सा सर्कल के बारे में सेंटर रेडी है, जिसका उस सर्कल का जो सेंटर है क्या है बच्चों, यही सेंटर कौन बिहेव कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू रे। और जो रेडियस क्या है, ये तो रेडियस बन गया ना, सब तो इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू रे एंड क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ये बोलना चाह रहे हैं, बात समझ में आई। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसे शूट हो रहा है कि नहीं वीडियो पता नहीं चला, 3.9 GB बचा हुआ मात्र। तो बेसिकली बच्चों हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर ये आपका ये मिरर है, इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर को मैंने सी ले लिया, ये आपका मिरर वन था, ये मिरर टू था, ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये रेडियस की तरफ बिहेव करेगा, ये जो डिस्टेंस है रेडियस की तरफ बिहेव करेगा। एक इमेज आपकी आई वन यहाँ बन गई, दूसरी आपकी यहाँ पर आई टू बन गई, और यहाँ पर एक तीसरी थी ऐसे। तो ये सब कहाँ पर लाई करेंगे बच्चों, ये सब लाई करेंगे आपके सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है ना। यानी कहने मतलब कि जो आपकी आई टू है यहाँ पर होंगे ना, आई टू देखो यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर जो आपकी आई वन है आपकी यहाँ पर लाई कर गई, और सेम डिस्टेंस आपकी यहाँ पे दोनों इमेज जो कोइंसाइड करें, इमेज ऑफ वन बाई टू एंड इमेज ऑफ टू बाई वन, देखो कि कहाँ पे लाई कर रही है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जिसमें सेंटर क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ टू रे सी है, और जो रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर एंड ऑब्जेक्ट। तो लिख लो इमेज, ऑल इमेज लिखो, ऑल इमेज फॉर्म्ड बाय, ऑल इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, एक सेकंड बच्चों, हाँ तो बच्चों लिख लो कि ऑल इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर कहां पे लाई करेगा, लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच हैव सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर
टू मिरर एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या रेडियस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर। अब ब्रैकेट में लिख लो क्या है, वो सी है ना, रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर। ओके बच्चों,